हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार वीडियो। मैं आपको आज दिखाऊंगा हमारे मजीद ने जो चिप दिए थे वो बड़े हुए या नहीं हुए, क्या हुआ। और मैं नए तरीके से आपको वीडियो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मजीद जो है नीचे गिर जाते हैं उनका क्या करना है। और गाइस, जो मटकी में नए बच्चे हुए हैं, नौ जो अंडे दिए हैं, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से फुल वीडियो दिखाऊंगा। और जो हमारे फिंच हैं या जावा बर्ड्स हैं और लवबर्ड गेम, मैं आपको पूरी तरीके से फुल वीडियो दिखाऊंगा। आप वीडियो में लगातार बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन आपको दबाना भूलें, ताकि आपको नई अपडेट से अपडेट वीडियो मिलती रहे लेटेस्ट में। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग ये देख सकते हैं, इधर हमारे कुछ चिक जो है बड़े होके नीचे गिर गए हैं। और ये देखिए, ये नीचे गिरने से ये इनके पर टूट गए हैं। अब बेचारा ये कुछ टाइम तक उड़ नहीं सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही परेशान हो गया है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत जल्दी ये बड़ा हो गया। इसकी हेल्थ देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है, लेकिन कुछ इनकी मजबूरी, गिरने से ये पर इनके टूट गए हैं। और मैं आपको और आगे की वीडियो दिखाता हूँ, ये मैं इन्हें बुला देता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा चिक जो है आज पानी में गिर गया था, जिससे ये भीग गया है, बहुत ही गीला हो गया है, इसको बड़ी सी दिक्कत आ गई है। ये थोड़ा सा कपकपा रहा था, मैंने इसको कपड़े से पोंछा इसका पानी। और आप लोग ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बच्चा था ये। ठीक है, मैं और आपको दिखाता हूँ चिक अपने। ये देखिए कितना, ये देखिए गाइस उड़ गया, ये तो बहुत शैतान हो गया है। और मैं आपको ये छोटा सा और दिखाना चाहता हूँ, बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, वाइट में है। आप लोग देखिए, ये नीचे इसको फीमेल भरा रही है, नीचे मटकी से नीचे गिर गया है। और गाइस, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। आप लोग देख सकते हैं मेरे कैमरामैन के ऊपर ये बच्चा एक बैठ चुका है, ये देखिए। लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही बैठा रहने देंगे। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर सा ये चिक है हमारा। अब कैमरामैन को दे देते हैं। तो गाइस, एक बच्चा और है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा दिखाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ये खूब, ये तो उड़ने लगे हैं बच्चे। दो बच्चे मैं आपको और दिखाऊंगा। ये देखिए रेड आइज में है, ये आप लोग देख सकते हैं, रेड आइज में येलो कलर का चिक है ये, बहुत ही खूबसूरत सा। तो गाइस, ये हमारा बहुत ही नन्ना सा जो है चीकू है, ये मुझे बहुत ही पसंद है चीकू हमारा। ये देखिए गाइस, अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, हाथ नहीं आता है, पहले तो ये बैठता था हमारे पास में। और गाइस, मैं आपको मटकी के सारे बच्चे दिखाना चाहता हूँ, जो कुछ ये तो मैंने आपको अभी दिखाया था लेटेस्ट में। ये रेड आइज वाला बच्चा है येलो कलर का, इसमें गाइस देखिए, इसमें तीन बच्चे हैं गाइस, ठीक है, तीन बच्चे हैं, ये भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह बहुत जल्दी। और गाइस, आज इसमें मैं देखता हूँ, एक इसमें फीमेल ने हमारी एग दिया हुआ है। और गाइस, इसमें देख सकते हैं, इसमें दो बच्चे हैं, एक बच्चा नीचे गिर गया था जो मैंने उठा के उसको मटकी में रख दिया। चलिए गाइस, अगली मटकी में देखते हैं। गाइस, इसमें जो है दो अंडे मटकी में हमारी फीमेल ने दे दिए हैं, अभी और ब्रीडिंग इनकी चल रही है। ये खाली है क्योंकि इसके में ये चिक रहता था, ये बड़ा हो गया अब तो काफ़ी। बाकी मैं और आपको दिखाता हूँ, ये तो खाली है, ये भी गाइस खाली है। और गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा चिक जो है हमारे कैमरामैन को बहुत ही पसंद कर रहा है, देखिए इनको छोड़ ही नहीं रहा है, ये देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी मैं इसमें आपको मटकी में दिखाना चाहता हूँ गाइस, इसमें एक हमारा चिक रखा हुआ है येलो कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा है, ये खाली है, ये भी खाली है गाइस। इसमें गाइस अंडे रखे हैं और एक चिक अभी लेटेस्ट करंट में निकला हुआ है, आज ही कल का है। और गाइस, में एक चिक ये है वाइट कलर का, और आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे बहुत ही शानदार चीकू से हैं, ये उड़ गए हैं। अब देखिए गाइस, इनके सर पे बैठ गए, देखिए कितना ही मज़ेदार ये इंजॉय कर रहे हैं सर पे बैठ के। चलिए आगे की वीडियो मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, लबट दिखाता हूँ आपके, और जावा भी दिखाऊंगा, फिंच भी दिखाऊंगा और कॉकटेल भी दिखाऊंगा। चलिए, जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे लबर्ड हैं और इन्होंने जो है मटकी में अपना ये घोंसला बना लिया है। मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, शायद आपको ना समझ में आए क्योंकि थोड़ा सा इसकी जाली की वजह से जूमिंग पकड़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे लबर्ड हैं,
ये पेयर इसके साथ लगाओ, ये पेयर इसके साथ लगाए। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, मैंने ये कुछ अपने बजीज जो है इसमें ब्रीडिंग के लिए छोड़ रखे हैं, जिसमें फीमेल ने लगभग 4-5 अंडे दे भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें शायद एक चिक पड़ा हुआ है जो मर चुका है अंडे में से निकल कर, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ गाइस। ये आप देख सकते हैं एक चीज इसमें मरा हुआ है, थोड़ा सा है, निकाल लेना है। और ये कुछ इसमें बजीज हमारे कुछ सुस्त थे जिन्हें मैंने अलग कर दिया, ताकि इनके अलावा इनके साथ साथ में मेरे किसी बजीज को और जो है दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया था। और ये जावा है गाइस, अभी इनकी जो है अभी इन्होंने, मैंने इनको अभी जो है दूसरी मटकी नहीं लगाई है, अभी इनकी ब्रीडिंग का कोई मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ ब्रीडिंग में, आगे चल के देखूँगा इनमें और थोड़े से छोड़ूंगा। और गाइस इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाया कोकर डील का, मैंने इसमें घड़ा लगा दिया है ब्रीडिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं मैंने बड़ा सा घड़ा लगा दिया इनकी ब्रीडिंग के लिए। और ये पेयर जो है बहुत ही सुंदर सा है, ये आगे ग्रे वाला जो है मेल है, उधर वाली फीमेल है वाइट वाली, ठीक है गाइस। बाकी मैं आगे एक और दिखाता हूँ गाइस, ये हमारी फिंच है, फिंच का पेयर है, ये आप लोग देख सकते हैं ज़ेब्रा फिंच है, ये अभी बच्चे ही हैं, इनका पेयर भी लगा नहीं है, ये एडल्ट अभी हुए नहीं है, मैं जैसे ही इनके एडल्ट हो जाएंगे मैं इनको जो है मटके दे दूँगा। ये बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत सा है, लेकिन गाइस मुझे इनकी मेल फीमेल की कुछ पहचान नहीं है ख़ास, बस मैं मार्केट से इनको ले आया था, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार ज़ेब्रा फिंच है ये। और इनका भी मैं जब आगे कुछ ब्रीडिंग का देखूंगा तो मैं आपको इसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस मैंने आपको सारी अपने बजीज और सारे जो कॉलोनी के सेटअप थे मैंने आपको सब कुछ दिखाया, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, बाकी गाइस आप लोग सपोर्ट करिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों के लिए कितनी गर्मी में मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।